हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपना खुद का टाइम टेबल कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दोस्तों मन में ये सवाल भी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों इसी बात को लेकर बहुत परेशान है। कई स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि टाइम टेबल बना के मैं थक गया हूँ, हर बार मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, एक दो तीन दिन तक फॉलो होता है, उसके बाद नहीं कर पाता हूँ। और कई स्टूडेंट का कहना यह है कि मेरे को लेजीनेस बहुत है, नींद बहुत आती है ठंड के टाइम में, तो मैं सही से पढ़ नहीं पाता। तो आप लोग को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि दोस्तों डीपली से कि यहाँ पर आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट दोस्तों किसी को देखा देखी में टाइम टेबल बना लेते हैं, आठ घंटे की, 10 घंटे का टाइम टेबल, 6 घंटे का टाइम टेबल। होता क्या है कि उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट होते हैं एवरेज स्टूडेंट, उनकी दोस्तों जो हैबिट होती है वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की भी नहीं होती। फिर ऐसे में वो सोचते हैं कि कम से कम 8 घंटे का 12 घंटे का मैं टाइम टेबल बना के पढ़ूंगा। तो ये आपको जो मोटिवेशन होता है दोस्तों, वो 1 दिन 2 दिन तक ही चलता है। तो जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसमें ऐसा क्या बात होता है जो एक एवरेज स्टूडेंट में नहीं होता? दोस्तों कुछ डिफरेंस होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। टॉपर स्टूडेंट होता है कि वो अपना टाइम टेबल उसका ये होता है कि उसको अपना सिलेबस के बारे में पता होता है, उसको अपना काम, आज का काम आज में ही करना होता है, उसके मन में ये बात होती है। चाहे दोस्तों वो दिन का उसका टाइम टेबल होगा कि मुझे दिन में अकाउंट्स पढ़ना है या मैथ पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है, वो दिन में नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन दोस्तों सोने से पहले उस चीज़ को जरूर पढ़ेगा, मतलब शाम को या रात को वो कंप्लीट कर लेगा। तो वो स्किप नहीं करता अपना डे, ठीक है। बस आपको जो टाइम टेबल है आपको उसको फॉलो करना है। टाइम टेबल से दोस्तों आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक टारगेट होगा। तो आपको दोस्तों आपका टाइम टेबल तभी फॉलो आप कर सकते हो जब आपको उसका रीज़न पता होगा, आपका जो वाई, क्यों आपको पढ़ना है, क्यों आपको दोस्तों टाइम टेबल बनाना है, ये बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। और ये जो वाई है दोस्तों आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वाई आपका दोस्तों क्लियर होना चाहिए, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके घर की बहुत ही दोस्तों पुअर्टी है, बहुत ही गलत कंडीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास दोस्तों पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पुअर हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो उन सब का दोस्तों जो वाई है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए कि उनके घर की कंडीशन, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स, वो रोज़ देखते हैं ऐसी फैमिली प्रॉब्लम्स। तो आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट का वाई होता है कि मुझे बड़ा होकर कुछ अमीर बनना है, या लोगों के लिए हेल्प करना है, या मुझे MBA करना है, या मुझे CA करना है, या मुझे डॉक्टर करना है। तो आपका वाई आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर 85% लाने हैं तो ये आपका टारगेट है। अगर आप 60 लाते हो तो आपको कम से कम ज़्यादा सोचना है, 90 के तकरीबन सोचना है। तो ये आपका वाई होना चाहिए। बस आपको आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है और एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। दोस्तों डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ता है हमारे लाइफ में, दोस्तों हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो एकमात्र दोस्तों डिसिप्लिन ही है जिससे दोस्तों हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स की जो जॉब टाइमिंग होगी वो अगर 9 बजे की होगी तो 9 बजे ही पहुँचना होता होगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स जो जॉब पे जाते हैं, जैसे फैक्ट्री में जब लोग जाते हैं तो 9 बजे की टाइमिंग होती है। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट या 15 मिनट लेट हो जाता है तो उसका पूरा 1 घंटा काट लिया जाता है। ऐसा जॉब में होता है दोस्तों। अगर 10 बजे की टाइमिंग है तो 10 बजे वो लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि दोस्तों डिसिप्लिन होता है हर एक काम का, दोस्तों एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है। तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सुबह कैसे होती है, आप अपने डे को कैसे प्रोडक्टिव बनाते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो, ये टोटल डिपेंड करता है आप पे ना दोस्तों। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है जिसमें दोस्तों आप एलिजिबल हो, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, बस आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। तो आप 5 से 6 आवर का टाइम टेबल बना सकते हो। अभी 100 डेज हैं आपके एग्जाम आने में, तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। बस आपके मन में ये होना चाहिए कि जो मेरा सिलेबस है, मेरे को आज जैसे ये पढ़ना है तो मुझे आज कंप्लीट करना है। सोने से पहले आपको वो चीज़ कंप्लीट कर लेनी है और चेक कर लेना है कि आज मैंने कंप्लीट किया कि नहीं किया, और आपको जो डाउट होगा वो आपको दोस्तों कंप्लीट करना है। डाउट्स दोस्तों आपका क्लियर होना चाहिए। तो आपका जैसे 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, हर एक स्टूडेंट के 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई कॉमर्स है तो इसका होता है बिजनेस स्टडी, मैथ, इको, अकाउंट्स, ऐसा होता है ना। तो आपको उनको दोस्तों कम से कम 2 आवर देना है, ठीक है। तो ऐसे लेकर दोस्तों आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, खुद का टाइम टेबल बनाना है आपको।
आपको किसी का देख के नहीं बनाना है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा उतने घंटे पढ़ूंगा। शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हो कि आपका अगर पढ़ने की हैबिट नहीं है तो थोड़ा आप दोस्तों स्टडी करो, थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ो, थोड़ा कम टाइम में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आपको बस रोज पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपको रोज पढ़ना है। भले आप 30 मिनट पढ़ाई करते हो या आधे घंटे पढ़ाई करते हो या 10 मिनट पढ़ाई करते हो या 20 मिनट पढ़ाई करते हो, बस आपको दोस्तों रोज पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में ये बात दोस्तों घुस गई कि मुझे रोज पढ़ना है और आप रोज पढ़ते हो दोस्तों, फिर अगर आप मान के चलो आज 10 मिनट पढ़ते हो, कल 20 मिनट पढ़ते हो, फिर अगर आप ऐसे पढ़ते पढ़ते दोस्तों आपका टाइम टेबल एकदम बन जाएगा और आपकी एक हैबिट एक बन जाएगी आपको ज़्यादा घंटे पढ़ने की। तो मैं आपको सिर्फ देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको ये बात एकदम समझना चाहिए। तो आपका टाइम टेबल आपको खुद से डिसाइड करना है, आपके पास 100 डेज है, आप बहुत अच्छे से दोस्तों तैयारी कर सकते हो। आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों टाइम टेबल को लेकर के आपको आपका खुद का टाइम टेबल बनाना है और दोस्तों बस रोज पढ़ना है, एक डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's caught in the crossfire.